अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद वर्दा। आज की रेसिपी है स्वीट एंड सार चिकन। चाइनीज़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। लहसुन पाउडर लिए, वाइट पेपर पाउडर लिए, हाफ के जी चिकन लिए, एक अंडा लिए, कॉर्नफ्लोर लिए और काली मिर्च का पाउडर लिए, नमक लिए, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर, चीनी और टोमेटो केचप, ऑयल लिए, दो प्याज बिल्कुल मीडियम साइज़ के, उनको ये क्यूब्स में काट लिए, शिमला मिर्च ली है मैंने एक बड़ी, एक से दो टेबलस्पून लहसुन का क्रश किया हुआ, और चिकन की यखनी ली है मैंने दो कप, मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं चिकन की। एक अंडा मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह, उसको हम चिकन में शामिल कर देंगे। इसके बाद हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, उसके बाद हम लेंगे टू टेबलस्पून सोया सॉस और वन टेबलस्पून वाइट विनेगर। इसके बाद हम लेंगे चीनी हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, अगर आपके पास नहीं है तो आप ताज़ा लहसुन क्रश करके इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक हाफ टी स्पून और वाइट पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, और इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, इतनी देर में ये मैरिनेट हो जाएगा और उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर हमने तकरीबन आधा कप पानी डाला है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हम अपनी ग्रेवी को थिक करने के लिए प्रिपेयर करके रख लेंगे, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। दो टेबलस्पून ऑयल डाला मैंने, इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून लहसुन डाला और फिर इसके अंदर दो छोटी छोटी शिमला मिर्चें, उनको मैंने एक क्यूब में काटा हुआ है, और एक बड़ा प्याज, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया, और उसको हम स्टर फ्राई करेंगे। सब्जियां हमारी स्टर फ्राई हो गई हैं, दो से तीन मिनट ही करनी है बस, अब ये बिल्कुल तैयार हैं। इनको साइड पे रखते हैं और अपना चिकन को फ्राई करते हैं। फ्राइंग के लिए ऑयल डालेंगे जिसमें ये शैलो फ्राई हो जाए चिकन हमारा, और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर चिकन फ्राई करेंगे, एक एक पीस करके आप डाल दें। गोल्डन हो गए हमारे ये चिकन का पीसेस, इसको हम अच्छी तरह प्रेस करके निकाल लेंगे एक्स्ट्रा ऑयल को। फोर टेबलस्पून ऑयल डालें, आप जिसमें आपने चिकन फ्राई किया है आप उसी ऑयल को भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एक टेबलस्पून
क्रश्ड गार्लिक डालें और इसको हल्का सा फ्राई करें। दो टेबलस्पून टोमेटो केचप, दो टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून व्हाइट पेपर, एक टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चीनी, और फिर दो टेबलस्पून व्हाइट विनेगर और दो टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें। हिलाएं, अच्छी तरह मिक्स करें। भी हमारी बबलिंग पे आ गई है। अब आप इसके अंदर अपनी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स डाल दें जो हमने पहले फ्राई करके हल्की सी रखी हुई थी। साथ ही इसमें आप चिकन डाल दें, मिक्स करें अच्छी तरह। ग्रेवी के लिए इसके अंदर हम चिकन की यखनी डालेंगे। 1 से 1.5 कप आप चिकन की यखनी डाल दें। और इसको 1-2 उबाले आने दें और उसके बाद हम इसके अंदर अपना कॉर्नफ्लोर डाल के इसकी ग्रेवी को थिक कर लेंगे। चिकन की यखनी जो हमने डाली थी वो उबलना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की पेस्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने बनाई हुई थी। अच्छी तरह उसको दोबारा से हिला लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। मिक्स करने के बाद आप उबलते हुए यखनी में कॉर्नफ्लोर डाल दें और फटाफट चम्मच हिलाएं। साथ ही आपकी ग्रेवी थिक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार हमारा स्वीट एंड सार चिकन तैयार है। आप इसको चाइनीज़ राइस के साथ सर्व करें। चाइनीज़ राइस की रेसिपी मैंने पहले ही डाल दी हुई है, आप उसको चेक कर लें और अपने घर वालों के साथ शेयर करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।